हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात से आउट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एम्स राजकोट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही आपको नोटिस में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर AIIMS राजकोट एडमिन रिक्रूटमेंट NF06/2023-24/5469 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी है। ऑल फोर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ से डिटेल्स मांगी गई हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में ये ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 4 की सैलरी है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में लेवल 9 की सैलरी है, 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर में लेवल 7 की सैलरी है, 1 वैकेंसी है। जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजर ऑफिसर के लिए भी 1 वैकेंसी है, लेवल 11 की सैलरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी 1 वैकेंसी, लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर है। डायटिशियन के लिए 2 वैकेंसी है, लेवल 7 की सैलरी है। जूनियर ऑफ अकाउंट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी, लेवल 6 की सैलरी है। जूनियर वार्डन हाउसकीपर के लिए भी 2 वैकेंसी, लेवल 2 की सैलरी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 1 वैकेंसी, लेवल 6 की सैलरी है। LDC के लिए 9 वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी गई है। मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए 1 वैकेंसी है। मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए भी 1 वैकेंसी है, दोनों भी लेवल 10 की सैलरी है। एंड मेडिकल रिपोर्ट टेक्नीशियन में 6 वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है। मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 में 2 वैकेंसी, लेवल 7 की सैलरी है। ऑफिस असिस्टेंट में 5, पर्सनल असिस्टेंट में 2, फिजियोथेरेपिस्ट में 1 वैकेंसी, लेवल 6 की सैलरी है। प्राइवेट सेक्रेटरी में भी 1 वैकेंसी, लेवल 7 की सैलरी है। जबकि जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन में 1 है, सिविल में भी 1 है एंड इलेक्ट्रिकल में भी 1 है, इन सभी में लेवल 6 की सैलरी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी 1 वैकेंसी, लेवल 6 की सैलरी है। एंड स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन असिस्टेंट में भी 1 है, असिस्टेंट एडमिट ऑफिसर में भी 1 है, टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में 1 वैकेंसी है, सिक्योरिटी कम फायर जमादार में भी 1 वैकेंसी है। इन सभी में लेवल 6 एंड लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। स्टेनोग्राफर में 6 वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी है। स्टोरकीपर में 4 है। टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन में 1 है, लेवल 6 की सैलरी दोनों में है। टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइजर में 2 है, लेवल 7 की सैलरी है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थाल्मोलॉजी में 1 है, प्रोथेस्टिस एंड ऑर्थोटिक्स में भी 1 है, लेवल 6 की सैलरी दोनों में है। UDC में 3 है, लेवल 4 की सैलरी है। वार्डन हॉस्टल के लिए 2 वैकेंसी, लेवल 6 की सैलरी है। योगा इंस्ट्रक्टर में 1 वैकेंसी, लेवल 7 की सैलरी। जबकि स्टाफ नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग सिस्टर के लिए अच्छे खासे वैकेंसी यहाँ पे 58 वैकेंसी यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए दी गई है, जिसमें से 46 फीमेल के लिए, 12 मेल के लिए है। टोटल 131 वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसकी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट एडमिट ऑफिसर के लिए 21 से 30 साल की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में MBA है तो अप्लाई कर सकते हैं। डायटिशियन के लिए MSc होम साइंस या फूड न्यूट्रिशन साइंस में या MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में मांगा गया है। MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, सारे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर में 10+2 के साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री में होना चाहिए। नर्सिंग और सुपरिटेंडेंट के लिए BSc होना चाहिए, BSc नर्सिंग में या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ में आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 21 से 35 साल की एज मांगी गई है। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में मांगा गया है, या आपके पास BSc या ग्रेजुएशन मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
ब्रांड ट्रांसफर ऑफिसर के लिए 21 से 40 साल की एज मांगी गई है। आपके पास रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए या आपके पास एंटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एम ए एम एस सी साइकोलॉजिस्ट के साथ में आपके पास एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए 30 से 35 साल की एज मांगी गई है। ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए 21 से 35 साल की एज मांगी गई है। यहाँ पर ग्रेजुएशन आयुष में मांगा गया है, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए मेडिकल काउंसिल में। मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए 21 से 35 साल की एज मांगी गई है। एमएससी मेडिकल फिजिक्स में या इक्विवेलेंट डिग्री है, साथ ही आपके पास एमएससी फिजिक्स में होना चाहिए, साथ ही आपके पास डिप्लोमा या डिग्री रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स में होना चाहिए। एमएससी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 21 से 30 साल की एज मांगी, ग्रेजुएशन कॉमर्स में मांगा गया है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे बीएससी बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या इन्फॉर्मेशन साइंस मांगा गया है या बीएससी भी लाइब्रेरियन में है। साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन की में है, साथ ही आपके पास डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन साइंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीसी में 10+2 के साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास यानी बीएससी मांगा गया है, साथ ही आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड में 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए। मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 21 से 35 साल की एज मांगी गई। अगर आपके पास एमए सोशल वर्क में है या एमएसडब्ल्यू है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में स्पीड मांगी गई है। साइकोलॉजिस्ट में 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपके पास बीएससी भी फिजियोथेरेपी में है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी में ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पे आपके पास ट्रांसक्रिप्शन मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग के लिए 30 साल की एज मांगी गई है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पे सिविल में यानी इलेक्ट्रिकल में, इन सभी अगर आपको बीटेक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में है या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है सिविल में इलेक्ट्रिकल में, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है, हिंदी आपका रिजर्वेशन सब्जेक्ट होना चाहिए या आपके पास इंग्लिश में आपका एमए है तो आपका हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी आपके पास हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में या वाइस वर्सा में होनी चाहिए। जूनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स में मांगा गया या 10+2 के साथ में 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट में आपके पास बीएससी स्पीच एंड हियरिंग में मांगा गया है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड सिक्योरिटी कम फायर जमादार के लिए 10+2 के साथ में आपके पास यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह भी मांगी गई, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, साथ ही स्किल टेस्ट में आपका डिक्टेशन एंड टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा। स्टोर कीपर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में है या आपके पास बीएससी भी मटेरियल मैनेजमेंट में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि आपका डेंटल मैकेनिक में होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में मांगा गया है, 40 ईयर की एज मांगी गई है। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमोलॉजी में भी 21 से 35 साल की एज मांगी गई है, बीएससी ऑप्थोमोलॉजी टेक्निक्स में होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स या ऑर्थेटिक्स के लिए 21 से 30 साल की एज मांगी गई है। अगर आपके पास बीएससी प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स में है तो अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। वार्डन के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया, साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन हाउस टू पोस्ट रिजर्व कीपिंग या मेटल मैनेजमेंट में या वुमेन पब्लिक रिलेशंस में स्टेट में होना चाहिए। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन योगा में मांगा गया है। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग के मांगा गया या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ जनरल ओबीसी के लिए 3000 की दी गई, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 की फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है एंड अदर डिटेल्स देख लेते हैं। इसका टेस्ट सेंटर राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुंबई में ही रहने वाला है। इसके अलावा अदर डिटेल्स की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं।
एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेस पे ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, 0.25 नंबर रॉन्ग आंसर देने पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। लास्ट डेट देख लेते हैं, यहाँ पर 30 डेज यानी कि जिस दिन से आपका पब्लिश हुआ उस दिन से 30 डेज यानी कि आप 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सभी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरी डिटेल पेज नंबर 27 से दी गई है। तो आप यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉगिन पर आएंगे, आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी से पासवर्ड से आप लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके 7 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।